नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी अपडेट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालू गोस्वामी। अगर बात करें भारत देश की तो भारत देश हमेशा से ही अपनी आस्था से जाना जाता है। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और यहां पर आप देख सकते हैं कि माता रानी विराजमान है और यहां पर लगभग 15 साल से ये माता रानी यहां पर विराजमान करते हैं और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। क्या कुछ रहा यहां पर, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लखन भार्गव। लखन जी, मैंने सुना है यहाँ 15 सालों से आप माता रानी को विराजमान करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 15। आज आखिरी दिन है, क्या कुछ स्पेशल रहा? स्पेशल इस बार बहुत सी सारी चीजें स्पेशल रही, बहुत से लोगों का सही सहयोग रहा। भंडारे में भी इस बार हमने चेंजिंग की है, पहले हम बांटते थे, अभी टेबल कुर्सियों पर हमने प्रॉपर विराजमान करके लोगों को भंडारा करवाया है। अच्छा, ये भंडारा मतलब क्या, आप यज्ञ वगैरह करवाने के बाद प्रसादी जो कहा जाता है? जी बिल्कुल, पहले रात्रि में हवन हुआ, उसके बाद में आरती के पश्चात ये भंडारा सुबह 9 बजे से प्रारंभ और रात के 12 बजे तक लगभग कंटिन्यूस भंडारा। 15 साल से आप यहाँ पर माता को विराजमान करते हैं, क्या मतलब सोच के करते हैं? 15 साल हो गए, माता रानी की कृपा है, माता ने चुना है हमको अपनी सेवा के लिए, तो हम निवेदन करते हैं ऐसे ही हम आगे प्रोग्राम करते रहे माता जी का। आपकी कोई संस्था है या फिर आप सभी लोग मिलके ये करते हैं? ये हमारी महामाई चरण सेवक समिति के नाम से समिति है जिसमें हम 10 से 12 लोग सब जुड़े हुए हैं। सभी 12-15 लोग अपने तन मन धन से, प्लस जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी सारा सहयोग करते हैं हमको। तो जो आपकी महामाई सेवा समिति है, सिर्फ मतलब आप माता रानी को विराजमान करते हैं या इसमें कोई सोशल वर्क भी आप लोग करते हैं? इसमें हम सिर्फ माता रानी का प्रोग्राम और सोशल वर्क के लिए इस बार ही हमने मतलब थोड़ा डांडिया वगैरह और बच्चों का कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ऐसी एक्टिविटीज इस बार रखी। बाकी एक्टिविटीज रखते हैं, इसके अलावा कुछ और भी रखते हैं जैसे रक्तदान करवाते हैं या लोगों को वस्त्र दान करते हैं, इस तरीके का कोई और? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन रक्तदान के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यू ईयर में रक्तदान शिविर लगा सके। अच्छा, मतलब माता रानी को आप 15 साल से यहाँ आपकी समिति के माध्यम से बिठाते हैं और सिर्फ धर्म के लिए आपकी समिति का? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो देखिए 15 साल से यहाँ पर माता रानी विराजमान है और महामाई समिति की तरफ से ये लोग सोशल वर्क भी करते हैं, रक्तदान को लेकर भी आगे बढ़ने की कोशिश है, सोचा जा रहा है रक्तदान को लेकर, और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कई ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पर माता रानी का आज कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, रात में यज्ञ के बाद सुबह भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रखी गई और बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत सारा सहयोग दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत देश यू की आस्था से जुड़ा हुआ देश है, तो आप यहां देख सकते हैं कि कितने लोग इस आस्था के साथ में यहां माता रानी को, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है तो आज माता रानी का विसर्जन होगा और यहां इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं मां को विदा करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।